नाज़रीन कराम, मैं हूं डॉक्टर निसार अहमद और आप देख रहे हैं निसार अहमद टीवी। हमारा मुल्क पाकिस्तान जो कई लिहाज से दुनिया में एक मुनफरिद मुल्क है। पाकिस्तान जिसमें दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चोटी K2 मौजूद है। पाकिस्तान जिसमें दुनिया की 8000 मीटर से बुलंद 14 चोटियों में से 5 चोटियाँ मौजूद हैं। मज़ीद ये कि पाकिस्तान में 7000 मीटर से बुलंद 4555 चोटियाँ मौजूद हैं, जबकि 5000 और 6000 मीटर से बुलंद चोटियों का कोई हिसाब ही नहीं। दुनिया के 3 सबसे बुलंद पहाड़ी सिलसिले यानी कि कोहे हिमालया, कोहे कराक्रम और कोहे हिंदू कुश पाकिस्तान में मौजूद हैं। इन पहाड़ी सिलसिलों के अलावा भी पाकिस्तान में कई छोटे बड़े पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं। पाकिस्तान को सरकारी सतह पर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क है, जिसकी आबादी 22 करोड़ इंसानों से ज़्यादा है। ये रकबे के लिहाज से दुनिया का 36वां सबसे बड़ा मुल्क भी है। अर्ज़ियाती एतबार से वो ज़मीन जहाँ पाकिस्तान वाक़िया है, दो मुख्तलिफ टेक्टोनिक प्लेटों का हिस्सा है। पाकिस्तान का वो हिस्सा जो दरियाए सिंध के मशरक में है, ओरिएंटल प्लेट का हिस्सा है, जबकि दरियाए सिंध के मगरब में मौजूद हिस्सा पैलियार्टिक प्लेट का हिस्सा है। माहरीन अर्ज़ियात के मुताबिक ओरिएंटल प्लेट, जिसमें पाकिस्तान का मशरकी हिस्सा, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश वगैरह के ममालिक शामिल हैं, आज से 7 करोड़ साल कबल अफ्रीका यानी एथोपियन प्लेट का हिस्सा थी। जहां आज भारत और पाकिस्तान वाक़िया हैं, यहां कभी समंदर हुआ करता था जिसका नाम बहिराए टिथाइस था। आज से 7 करोड़ साल कबल ओरिएंटल प्लेट एथोपियन प्लेट से अलग होकर शुमाल मशरक की तरफ सफ़र करने लगी और तकरीबन 4 करोड़ साल कबल ये पहली आर्टिक प्लेट से टकराई। इस टकराव से दो ज़मीनी साख्तें वजूद में आईं। एक तरफ तो दरिया सिंध बना, जबकि दूसरी तरफ इस टकराव से कोहे हिमालया के बुलंद बाला पहाड़ मारज वजूद में आए, जो पाकिस्तान समेत तमाम बरे सगीर को एक कमान की सूरत में घेरे हुए हैं। माहरीन अर्ज़ियात के मुताबिक आज भी ओरिएंटल प्लेट शुमाल मशरक़ की तरफ महवे हरकत है, जिसकी वजह से कोहे हिमालया के पहाड़ों की बुलंदी मुसलसल बढ़ रही है। पाकिस्तान चूँकि दो मुख्तलिफ प्लेटों पर वाक़िया है, इसलिए यहाँ जलजले आने के इम्कानात भी ज़्यादा हैं। जहाँ आज पाकिस्तान वाक़िया है, ये इलाका कबलस तारीख से मुख्तलिफ सकाफ़तों का मरकज़ रहा है, जिनमें वादिय सिंध और गंदारा की तहजीबें काबिल ज़िक्र हैं। आज भी इन तहजीबों के आसार आपको मोहनजोदड़ो और टेक्सला वगैरह में मिल सकते हैं। पाकिस्तान एक कदीम तरीन तहजीब का भी मालिक है, जिसे मेहरगढ़ के नाम से जाना जाता है। इस तहजीब की तारीख 6000 साल कबल मसीह से जा मिलती है। कदीम आर्या लोग इस सरजमीन पर 2000 कबल मसीह आए और इसे अपना मस्कन बना दिया। इस खित्ते में इस्लाम की आमद सन 712 में मोहम्मद बिन कासम के सिंध को फतह करने से हुई। मुसलमानों ने बरसग़ीर पाक व हिंद पर तकरीबन 1000 साल तक हुक्मरानी की, जिनमें सबसे नुमायाँ सल्तनत मुगलिया सल्तनत थी। बरतानिया की ईस्ट इंडिया कंपनी के बरसग़ीर में क़याम के कुछ अरसा बाद अंग्रेज़ों की इस खित्ते में मुदाखलत बढ़ गई, जिसे रोकने के लिए 1857 में जंग आज़ादी लड़ी गई। इस जंग की नाकामी के बाद ये सरजमीन बराह रास्त ताज बरतानिया का हिस्सा बन गई। 14 अगस्त 1947 को इस सरजमीन पर एक नया मुल्क पाकिस्तान मारज वजूद में आया, जो आज भी अपनी आन और शान के साथ मौजूद है। पाकिस्तान के हमसाया ममालिक में भारत, चीन, अफ़गानिस्तान और ईरान शामिल हैं। पाकिस्तान के जनूब में बहिरा अरब भी वाक़िया है। पाकिस्तान का झंडा कायद आज़म मोहम्मद अली जिना ने डिज़ाइन किया। नाज़रीन कराम, हमारे पास ज़िला झेलम में दुनिया की सबसे बड़ी नमक की कान मौजूद है, जो तकरीबन 20 किलोमीटर तक फैली हुई है, और ये नमक भी खालस तरीन नमक है। खेवड़ा के नाम से ये जगह दुनिया भर में जानी पहचानी जाती है। जदीद तरीन जायजे के मुताबिक हमारे प्यारे सूबों बलोचिस्तान और सिंध में पाए जाने वाले कोयले के ज़खायर दुनिया में पाए जाने वाले कोयलों के बड़े ज़खायर में से एक हैं।
हमारी सरजमीन से निकलने वाला चूने का पत्थर भी खालस तरीन चूने के पत्थरों में शुमार होता है। इससे बनने वाला सीमेंट किसी भी तरह मेयार में कम नहीं। हमारे सूबे बलूचिस्तान में पाए जाने वाले जंगलात दुनिया के मुनफरद तरीन जंगलात में से एक हैं। सनोबर के ये जंगलात इंतहाई कदीम हैं, जिनकी उम्र 5000 साल से भी ज़्यादा है। इस तरह के जंगलात दुनिया में बहुत कम जगहों पर मौजूद हैं। हमारी जंगली हयात में एक तरफ खूबसूरत बर्फानी तेंदुआ मौजूद है, तो दूसरी तरफ मारखोर, आइबेक्स, उड़ियाल और मार्कोपोलो बेड़ जैसे खूबसूरत जानवर मौजूद हैं। जहाँ एक तरफ हमारे जंगलात में सुरखाब, मोनाल और मोर जैसे खूबसूरत परिंदे मौजूद हैं, वहाँ ही दूसरी तरफ इंतहाई खूबसूरत परिंदा तिलोर हमारे सहराओं की जीनत है। यहाँ जहाँ एक तरफ ब्लाइंड रिवर डॉल्फिन मौजूद है, वहाँ ही दूसरी तरफ संगचूर नामी सांप भी पाया जाता है, जो दुनिया के जहरीले तरीन सांपों में से एक है। दुनिया में सबसे मीठे और लजीज आम हमारे ज़िला शुजाबाद में पाए जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मसनूई झील तरबेला झील भी पाकिस्तान में मौजूद है। पंखों की सबसे बड़ी सनत हमारे शहरों गुजरांवाला और गुजरात में मौजूद है। लकड़ी के मशहूर और मारूफ फर्नीचर के लिए हमारा शहर चनियोट मशहूर है। दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी ठट्ठा में मौजूद है, जो कि पाकिस्तान का एक ज़िला है। दुनिया के सबसे कम उम्र सिविल जज का एज़ाज़ भी एक पाकिस्तानी जज के पास है। मोहम्मद इलियास सिर्फ 20 साल और 9 माह की उम्र में जज बने। दुनिया का वाहिद ज़रख़ेज़ सहरा भी पाकिस्तान में वाक़िया है, और इसे हम थरपारकर सहरा के नाम से जानते हैं। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के कौमी तराने की धुन दुनिया के सबसे बेहतरीन कौमी तरानों में सरे फहरिस्त तरानों में से एक है। पाकिस्तान के कौमी तराने का दौरानिया 80 सेकंड है। दुनिया का सबसे तवील तरीन ग्लेशियर सिस्टम भी पाकिस्तान में मौजूद है, जिसे बियाफो ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। इस हवाले से पहले नंबर पर इंडोनेशिया आता है। सिल्वर स्टालून की मशहूर जमाना फिल्म रैम्बो 3 पाकिस्तान में फिल्माई गई थी। शलवार कमीज पाकिस्तान का कौमी लिबास है, जिसे पाकिस्तानी 80-90% आबादी पहनती है। पाकिस्तान तजारती लिहाज से बरअज़म एशिया में बहुत अहमियत रखता है। सी पैक तजारती मनसूबे के बाद खित्ते में पाकिस्तान की तजारती अहमियत में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। पाकिस्तान में दुनिया के सबसे बड़ी गहरी समंदर वाली बंदरगाह यानी कि ग्वादर बंदरगाह भी मौजूद है। इस बंदरगाह से चीन समेत वस्ती एशियाई रियासतों के मुस्तकबल की ज़्यादातर तजारत होना मुतवक्के है। पाकिस्तान में दुनिया का चौथा बड़ा नहरी निज़ाम मौजूद है, जो दरिया सिंध और इसके मुआविन दरियाओं से निकाली गई नहरों पर मुश्तमिल है। दुनिया की बुलंद तरीन पक्की सड़क यानी कि शहराए कराक्रम भी पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान के शहर सियालकोट से बनने वाले खेलों का सामान, खसूसन यहाँ से बनने वाले फ़ुटबॉल दुनिया भर में मशहूर हैं। हत्ता के यहाँ से बनने वाले फ़ुटबॉल अमरीकी खलाई तहकीकती इदारे नासा के खलाबाज भी इस्तेमाल कर चुके हैं। पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया भर में तकनीकी एतबार से बेहतरीन अफवाज में शुमार की जाती है। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जो अपने जंगी तैयारे और टैंक खुद बनाते हैं। पाकिस्तान की मिज़ाइल टेक्नोलॉजी दुनिया की बेहतरीन मिज़ाइल टेक्नोलॉजीज़ में से एक है। पाकिस्तान में फ़न तमीर के बहुत से कदीम और जदीद शाहकार नमूने भी मौजूद हैं, जिनमें बादशाही मस्जिद, शाही किला, शालीमार बाग, हिरन मीनार, मीनार पाकिस्तान, मज़ार कायद और शाह फैसल मस्जिद वगैरह शामिल हैं। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में शंदूर टॉप पर दुनिया का सबसे ऊंचा पोलो ग्राउंड भी मौजूद है, जिसकी एक झलक देखने दुनिया भर से सयाह पाकिस्तान आते हैं। सरजमीन पाकिस्तान को कुदरत ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। इन्हीं नेमतों में से एक पाकिस्तान के तबई खदोखाल में मौजूद डाइवर्सिटी भी है। पाकिस्तान में आपको साहिल समंदर, सहरा, घास के मैदान, गर्म मरतूब जंगल, सर्द मरतूब जंगल, मुर्गजार, ग्लेशियर्स और बहुत से दूसरे तबई खदोखाल मिलते हैं। तबई खदोखाल में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने की वजह से पाकिस्तान में बहुत सी मुनफरद जंगली हयात पाई जाती है। जंगली हयात के अतबार से पाकिस्तान का मुकाबला अगर ईरान से किया जाए, जो रकबे के लिहाज से पाकिस्तान से काफ़ी बड़ा है, तो भी पाकिस्तान में जानवरों और पौधों की मुख्तलिफ अकसाम की तादाद ईरान से बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान को अगर आप लैंड ऑफ डाइवर्सिटी कहें तो बेजा ना होगा। सियाहत के अतबार से पाकिस्तान एक बेमिसाल मुल्क है और सियाहों के पसंदीदा ममालिक में से एक है। पाकिस्तान में मौजूद हसीन वादियों में वादिय नीलम, वादिय कागान, वादिय कमराट, वादिय चित्राल, वादिय कश्मीर और वादिय हंजा वगैरह शामिल हैं,
जिनकी खूबसूरती किसी को भी सहरजदा कर सकती है। वादिय स्वात को तो स्विट्ज़रलैंड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में मौजूद है जहाँ 5 मौसम पाए जाते हैं, मौसम गर्मा, मौसम ख़जां, मौसम सरमा और मौसम बहार के अलावा यहाँ एक पाँचवा मौसम यानी मानसून का मौसम भी मौजूद है। मौसमियाती शिद्दत के लिहाज से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ हैं। यहाँ एक तरफ शदीद गर्मी पड़ रही होती है तो दूसरी तरफ शदीद सर्दी पड़ रही होती है। पाकिस्तान जुग्राफियाई एतबार से हिजरत करने वाले परिंदों की रेंज के दरमियान में आता है। यही वजह है कि यहाँ बेशुमार मुहाजिर परिंदे साल के मुख्तलिफ मौसमों में आते रहते हैं। पाकिस्तान में ना सिर्फ मौसम सरमा में हिजरत करने वाले परिंदे आते हैं बल्कि मौसम गर्मा में हिजरत करके आने वाले बहुत से परिंदे भी पाकिस्तान से गुजरते हैं। पाकिस्तान अगरचे माशी मसाइल से दोचार है लेकिन यहाँ के जुग्राफियाई और मादनी वसाइल का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये खत्ता अपनी जुग्राफियाई अहमियत की वजह से दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल हो सकता है। अगर ग्वादर की बंदरगाह सही मानों में कामयाब हो जाए तो ये पाकिस्तान का साहली इलाका दुबई और दीगर खलीजी ममालिक को पीछे छोड़ने की सलाहियत रखता है। दुआ है कि पाकिस्तान हमेशा यूं ही कायम व दायम रहे। तो नाज़रीन किराम, आपको इसमें कौन सी बात पहले मालूम नहीं थी, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।